नमस्कार, बीएन भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सुरूर, पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। कोरोना से राज्य में 32 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। बीते करीब एक साल के दौरान 7,425 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 6,769 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में 16 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार सख्ती बरतेगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। इसमें आवागमन के लिए लोगों के लिए ई पास अनिवार्य है। रांची के कांके के अरसंडे स्थित आयुष्मान नर्सिंग होम में शोकॉज किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में तय मानक से ज़्यादा राशि वसूलने का आरोप है। निर्धारित दर से 62,440 ज़्यादा वसूले गए। जाँच के बाद आरोप सही पाई गई। देवघर में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में मुकम्मल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त और एसपी ने इसे हरी झंडी दिखाई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में 16 से 30 मई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया है। साथ ही पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य के स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय को बंद रखे जाएंगे। आवश्यक आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। इंग्लैंड के खिलाफ सभी प्रारूपों की सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। महिला टीम को इंग्लैंड दौरे में एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। झारखंड के विकेटकीपर इंद्राणी रॉय की पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। भारतीय मूल की नीना टंडन को राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में प्रोग्रेसिव थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और सीईओ के पद पर काम कर रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बीएनएन भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।